नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हनुमान जी को महाबलशाली माना गया है तथा कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप भगवान हनुमान का नाम लेते हैं तो आप सारे भयों से मुक्त हो जाते हैं, भूत पिशाच का डर नहीं रह जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान महावीर का दिन माना जाता है और उस दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान हनुमान को तेल, सिंदूर, रुई के पत्ते इत्यादि क्यों चढ़ाए जाते हैं तथा इसे चढ़ाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं तथा इससे क्या लाभ प्राप्ति होती है। प्रायः शनिवार एवं मंगलवार के दिन को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी को तेल सिंदूर अर्पण करने की विधि है। कई जगह पर नारियल चढ़ाने की भी प्रथा है। दास हनुमान और वीर हनुमान हनुमान जी के दो रूप हैं। दास हनुमान श्री राम जी के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं तथा उनकी पूंछ जमीन पर रहती है। वीर हनुमान योद्धा के मुद्रा में रहते हैं तथा उनकी पूंछ उठी हुई रहती है तथा दायां हाथ माथे की तरफ रहता है। कभी कभी उनके पैरों के नीचे राक्षस की मूर्ति भी रहती है। भूत बाधा, मंत्र सिद्धि इत्यादि में इन मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है तथा ऐसे स्वरूप का पूजा किया जाता है। भूत बाधा दूर करने जादू टोना में वीर हनुमान की मुद्रा की पूजा की जाती है। हम किसी भगवान को जो वस्तु चढ़ाते हैं वह वस्तु उन भगवान को प्रिय होती है। इस वजह से हम वह चीज भगवान को अर्पण करते हैं तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, ताकि इस विश्वास के साथ कि वह भगवान हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति तथा हमारे दुख दरिद्रों को नाश करेंगे। यही वजह है कि भगवान हनुमान को तेल, सिंदूर आदि अर्पण किए जाते हैं, क्योंकि यह दोनों चीजें भगवान हनुमान को काफी प्रिय होती हैं। दोस्तों, यह था भगवान हनुमान को तेल, सिंदूर और रुई के पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।